अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे। आज हम डायमंड्स कुकिंग में ज़बरदस्ती चीज़ी चिकन स्प्रिंग रोल्स रेसिपी लेके आए हैं। उसके लिए मैं ये समोसे, चलिए उसके लिए मैं रोल्स के शीट्स ले ली। मैं ये अपन चीज़ी चिकन रोल्स बना लेंगे। पहले एक के बाद पूरे रेसिपीज बताऊंगी मैं, स्किप मत करिए। बहुत अच्छे रोल्स बन के रेडी होते हैं अपने, बहुत इजी, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप करीब की शॉप पे, कहीं भी मॉल्स में शॉप पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको ये शीट्स। बहुत अच्छे रहते हैं ये शीट्स, देखिए कितने अच्छे है। चलिए वन बाई वन बनाना बताऊँगी मैं। पहले ऐसा शीट रख लेंगे अपन, ऐसा इसको अच्छी तरह से पानी भी लगा सकते हैं आप, मैदा भी लगा सकते हैं। पानी में पेस्ट बना के मैदे का, ये चीज़ें चिकन मैं ये रेसिपी बना के रखी थी, आप ज़रूर देखे होंगे मेरी रेसिपी को। ये मेरे लास्ट वीडियो में है, ये रेसिपी ज़रूर देखिए, बहुत इजी बन के रेडी होते हैं। चलिए अभी इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिए, ऐसा पानी लगा लेके फिर इसको भी फोल्ड कर लेंगे, ऐसा अच्छी तरह से चिपक जाता, अपने को तलते वक्त परेशानी नहीं होती। देखिए कितना अच्छा रोल बन के रेडी हो गया अपना, एक साइड में रख लेंगे अपन। नेक्स्ट फिर ऐसे ही बता लूँगी मैं, बहुत अच्छे बन के रेडी होते रोल्स चीज़ी चिकन। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, देखिए आप मेरे लास्ट वीडियो में देखिए कैसा मैं बना के रखी थी चिकन चीज़। चलिए शीट ऐसा बिछा लेंगे अपन, थोड़ा सर का पानी लगा लेंगे। चिकन चीज़ है ये, क्रीमी चिकन चीज़ है ये, अच्छी तरह से फैला लेंगे इसको ऐसा, अच्छी तरह से ऐसा करके अच्छा फोल्ड करेंगे ऐसा थोड़ा, फिर इसको दो साइड से ऐसा फोल्ड करेंगे। देखिए कितना इजी है बनाना ये, फिर ऐसा ऐसा फोल्ड कर लेते जाएंगे, फिर ये लास्ट, फिर यहाँ पर भी थोड़ा पानी लगा के फिर इसको भी फोल्ड कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अपना रोल बन के रेडी हुआ। अभी एक बताऊंगी मैं, बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होते अपने रेसिपीज। चलिए नेक्स्ट भी अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे इसको, चिकन चीज़ डाल देंगे इसमें। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को आप, और मेरी लास्ट वीडियो देख के ज़रूर बनाइए चिकन क्रीम चीज़। चलो ऐसे ही पूरे बना लेंगे अब अपन, फिर नेक्स्ट रेसिपी बताऊंगी। देख सकते हैं अपन पूरे बना लिए चिकन रोल्स। अब नेक्स्ट अपन सेवियाँ बनाऊंगी, मैं सेवियाँ बनाना बताऊँगी। चलिए सबसे पहले मैं सेवियाँ ले ली, देख सकते हैं सेवियों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन भून लेंगे खाली, अपन भुनेंगे बगैर घी तेल के भुनेंगे खाली उसको अच्छी तरह से। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए सेवियाँ, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर नेक्स्ट बताऊँगी। चलिए नेक्स्ट अपन सेवियाँ निकालिए, इसमें टमाटर पेस्ट है, टमाटर पेस्ट ऐड कर ले रही मैं इसमें, तकरीबन 1 कप टमाटर पेस्ट है वो, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक का पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छा भून लेंगे। साथ ही इसमें तेल ऐड कर देंगे, तकरीबन थोड़ा सर का तेल ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर से अपने को घी भी ऐड करने का रहता है, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून के उतना तेल ऐड करेंगे, ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना। अच्छा भुनेंगे ये तेल, साइडों से पूरा आ गया तक तेल भुनेंगे इसको अच्छी तरह से। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से भुने गए अपने टमाटे। ये रमज़ान के महीने में क्या है, अपने को पिसे हुए पेस्ट यूज़ करना पड़ता, टमाटो का पेस्ट यूज़ करना पड़ता, क्या है कट करके डाले तो बहुत मेहनत लगती, इस वजह से मैं कट करके नहीं डाली,
पेस्ट डाल दी। जरी देर में भुने गए अपने टमाटे, मिर्ची, नमक, हल्दी सभी चीज़ें भुने गए अच्छी तरह से। और इसमें अपन भुन के रखे इसमें सेवियाँ ऐड कर देंगे। चलिए पूरे सेवियाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से भुन के रख दी थी मैं सेवियाँ। अच्छी तरह से नीचे ऊपर कर लेंगे इसको। चलिए थोड़ा सा का पानी ऐड कर देंगे इसमें ताकि सेवियाँ अच्छा दम हो गए वैसा। चलिए नीचे ऊपर कर लेंगे अपन। चलिए मीडियम आंच कर देंगे। मीडियम आंच करके 5 से 10 मिनट्स तक मीडियम आंच पर रखेंगे इसको। चलिए इस पर दम पे अपन कोथमीर पुदीना ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची तोड़ के डाल लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे दिखते हरी मिर्ची हैं इसके साथ। आधा नींबू ऐड कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा का घी ऐड कर देंगे, असली घी है 1 टीस्पून के तक। अब इसको मीडियम आंच पे 5 से 10 मिनट्स तक रख देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी दम हुए पर। चलिए देख सकते हैं अपने सेवियाँ बनके रेडी हो गए। अब इसको सर्व कर लेंगे अपन। नेक्स्ट अपन आप छोला बना लेंगे। नेक्स्ट अपन अपने सेवियाँ भी रेडी हो गए, रोल्स बना के रख लिए साइड में। अब अपन लस्सी बना लेंगे। लस्सी के लिए मैं 1 कप दही ले ली। लस्सी के लिए 1 कप दही ले ली मैं। शक्कर डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालिए। मैं 3 टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ, रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ, आइस क्यूब सही है। अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे अपन, उसके बाद बताऊंगी मैं। चलिए अपनी लस्सी बन के रेडी है। इसको एक जग में निकाल लेंगे अपन, साइड में रख लेंगे, नेक्स्ट बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त लस्सी बन के रेडी हो गई अपनी। चलिए अपन सेवियाँ बना के रख लिए साइड में, लस्सी बना के रख लिए, अबशला बना के रख लिए, रूल्स बना के रख लिए साइड में। नेक्स्ट अपन ये कॉन्टिनेंटल चाट है, ये नई रेसिपी ज़बरदस्त आप सबको पसंद आएंगी। रमज़ान के दिन हैं, सब जने ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स है ये सब, आलू है ये, मैं 2 आलू बॉईल करके अच्छी तरह से हाथ से ही माश करना है इसको। आलू को मोटा मोटा रहना ज़रा ये। और ये समोसे की पट्टियाँ थे, समोसे की पट्टियों को मैं कट करके अच्छी तरह से कैंची से छोटे छोटे कट करके इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर ली मैं इसको, एक साइड में रख ली। स्वीट कॉर्न है, इसको बॉईल करके 1 कप रख ली। बूंदी है ये 1 कप, 1 कप कटी हुई प्याज है, 1 कप शौदाल है, 1 कप टमाटे है, ये बिस्किट है, ये खारे बिस्किट करीब की शॉप पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको, काली मिर्ची है, चाट मसाला है, चिल्ली फ्लेक्स है, पुदीने की चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करेंगे ये अपन। सबसे पहले अपन ये बिस्किटा रख लेंगे सारे अच्छी तरह से। सबसे पहले बिस्किटा रख लिए। ये आलू है, आलू को हाथ से ही माश करके डाल रही मैं इसको, ग्राइंडर से वे किससे भी पीसना करना नहीं है इसको, डायरेक्ट डाल देने का है ये हाथ से माश करके। अच्छी तरह से पूरा फैला लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है ये चाट, ज़रूर ट्राई करिए रमज़ान में, हर किसी को पसंद आएगा ये चाट। सॉस बना लेंगे अपन। नेक्स्ट अपन बिस्किट रख लिए, आलू डाल दिए इसके अंदर, सॉस बना लेंगे। सॉस बना के साइड में रख लेंगे। पहले बटर डाल ली, 1 टीस्पून के उतना बटर है इसमें। बटर को अच्छा मेल्ट होने देंगे। बटर अच्छा मेल्ट होने के बाद 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे इसमें सॉस बनाने के लिए, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, मीडियम आंच पे भून लेना इसको।
अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। अच्छी तरह से भुने के आप थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे इसमें। 1 कप दूध है। अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे इसका। चलिए अच्छी तरह से गाढ़ा पेस्ट बन गया। इसमें नमक और काली मिर्ची ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए साइड में रख लेंगे, नेक्स्ट फिर बताऊंगी मैं। सॉस भी रेडी हो गया अपना। ये आलू पहले से डाल लिए थे अपन। आलू थोड़ा सा का नमक ऐड कर रही हूँ इस पर, ताकि फिक्के नहीं रहना अपने आलू। चलिए चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें। टेस्ट अच्छा था चिली फ्लेक्स से। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाले का पाउडर है ये। स्वीट कॉर्न डाल देंगे। 1 कप स्वीट कॉर्न है ये। चलिए ये समोसे की पट्टी को मैं फ्राई करके रख ली थी, इसको तोड़ के ऐसा ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हाथ से ही तोड़ लेंगे इसको, थोड़ा चारों तरफ से फैला लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। बूंदी है ये, बूंदी को भी अच्छा फैला लेंगे अपन। 1 कप बूंदी है, अच्छा दबा लेंगे ऐसा। सभी चीज़ें अच्छी तरह से नेक्स्ट इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई प्याज है ये। टमाटे हैं बारीक कटे हुए। व्हाइट सॉस ऐड कर देंगे अच्छी तरह से चारों तरफ से। बहुत टेस्ट में बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। 1 बाय 1 ज़रूर देखिए, स्किप मत करिए वीडियो को। बहुत अच्छी बन के रेडी होने वाली है वीडियो। आज की नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। चलिए नेक्स्ट अपन चटनी ऐड कर लेंगे। पुदीने की चटनी है, पुदीने की चटनी डाल लेंगे चारों तरफ। चलिए ये खटमिट चटनी है इमली की, इसको भी ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन सौदा डाल लेंगे इसमें। सौदा के बगैर तो कुछ अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। चलिए नेक्स्ट इसमें चीज ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज है ये, चारों तरफ से फैला के डाल लेंगे चीज को। पूरा अच्छी तरह से फैला लेंगे ये चीज़ को, अच्छा मोटा मोटा करना। जितना अच्छा चीज़ डालेंगे चाट उतनी अच्छी बन के रेडी होती है आपकी। बिल्कुल नई रेसिपी, एकदम नई रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। अच्छी दिखेंगी आपको, बहुत पसंद आएंगी ये रेसिपी।
चलिए चीज़ अच्छी तरह से डाल लिए, चारों तरफ से डाल देंगे ऐसा। चलिए अब इसको ओवन में 5 से 10 मिनट्स तक रख के फिर बताऊंगी। ओवन में रखना पूरा चीज़ और अपन क्रीम क्रीम भी बनाए इसका सॉस, वो भी अच्छी तरह से गर्म होके नीचे से बिस्किट अपने नरम होते अच्छी तरह से बन के रेडी होता। 5 मिनट्स तक रखेंगे अपन ओवन में। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त अपना कॉन्टिनेंटल चीज़ चाट बन के रेडी है, चीज़ चाट ज़बरदस्त। चलिए अब नेक्स्ट अपन रोल्स फ्राई कर लेंगे और जूस बनाना बता दूँगी। चलिए नेक्स्ट अपन मॉस और खजूर का जूस बनाएंगे। इफ्तार में बहुत अच्छा रहता, बहुत टेस्टी रहता ये जूस, ताकत का भी रहता ये, बहुत पसंद आता सबको। एक मॉस डाल दी मैं, 4 खजूर डाल देंगे, इसके बींजा निकाल ली थी मैं खजूर के, 4 खजूर डाल देंगे। दूध डाल देंगे, 1 कप दूध डाल देंगे ये तकरीबन। शक्कर आप आपके टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाल लीजिए। थ्री टीस्पून शक्कर डाली में, बर्फ़ है ये बर्फ़ डाल देंगे अपन इसमें, बर्फ़ से अच्छा ठंडा रहता है ये। रूल्स बना के रख लिए अपन, सेवियाँ बना के रख लिए अपन, कॉन्टिनेंटल चाट बना के रख लिए अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन अपनी तैयारी रेडी है इफ्तार की। चलिए अब इसको ग्राइंड करके बताऊँगी मैं। माशाल्लाह मौज और खजूर का जूस बन के रेडी हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट अपन मलाई खजूर बना लेंगे। मलाई खजूर के मलाई अपन घी डाल के थोड़े सर के खजूर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन। थोड़ा घी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी डाली में। चलिए घी अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसके बींजा निकाल ली मैं पूरे अच्छी तरह से। अब इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे खजूर का। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से खजूर फ्राई हो गए। अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी मैं, इसको ठंडे करके बताऊँगी मैं। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से ठंडे हो गए। चलिए देख सकते हैं ये मलई है अच्छी तरह से ठंडे हो गए। ये इसको ऐसा खोल के खजूर की जगह पर मलई लगाएंगे। ऐसे ही पूरे भर लेंगे खजूरों। माशाल्लाह अब तेल अपन अच्छा गरम कर लेंगे, तेल रोल्स तल लेंगे अपन, चीज़ी चिकन रोल तल लेंगे। चलिए तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, मिला माने रहे हैं। चलिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। नेक्स्ट अपन ये खेमे के समोसे है, मैं लास्ट टाइम भी बताई थी आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह सभी चीज़ें अपने बनके रेडी हैं, सभी चीज़ें बनके रेडी है। ये कॉन्टिनेंटल चाट है माशाल्लाह ज़बरदस्त बनके रेडी है ये भी। और ये खारे सेवियाँ, मैं सेवियाँ बनाना बताई थी आपको, सेवियाँ हैं ये। और मलाई खजूर है, कॉन्टिनेंटल चाट है, तरबूज का जूस है, लस्सी है, और मौज़ और खजूर का जूस है, अपशोला है, रूल्स है ये चीज़ी चिकन रूल्स है ये, टमाटो सॉस, समोसे खीमे के समोसे। माशाल्लाह सभी इफ्तारी बन के रेडी है अपनी। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। शब्बा खैर, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।